हेलो, वेलकम टू द ज्ञान डोज, टेक अ डोज ऑफ ज्ञान विद अस। स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन की। इंग्लिश ग्रामर में नाउन के बाद में अगला टॉपिक आता है प्रोनाउन। जल्दी जल्दी करके हम लोग थोड़ा थोड़ा समय दे करके सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर टेंस पढ़ लेंगे, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी हम इंग्लिश ग्रामर का टोटल सिलेबस फिनिश करते हैं। उसके बाद में जो लोग पूछ रहे हैं, जो बच्चे टेंथ के पूछ रहे हैं कि साइंस की क्लास नहीं आएगी, हम कोशिश करेंगे यार साइंस की क्लास जल्दी से प्रोवाइड करने की, ठीक है। तब तक पहले इंग्लिश ग्रामर थोड़ा सीख लेते हैं हम लोग, है ना। अभी प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है अ वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज़ किया जाए उसको बोलते हैं हम प्रोनाउन। यहाँ पे हमने लिख रखा है मीन्स फॉर अ नाउन, मतलब जो नाउन की जगह पर ही यूज़ किया जाए वही होता है प्रोनाउन। इसके कई टाइप्स हैं, प्रोनाउन कई प्रकार का होता है। अब प्रोनाउन के बारे में हम तो एक एक करके जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट प्रोनाउन्स हैं, उनका यूज़ क्या होता है, क्या मतलब है इनका। जैसे कि देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन। क्या प्रो का मतलब आगे डॉट लगा रहा, प्रोनाउन लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोनाउन है हर जगह पे। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से होते हैं भाई? ये तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, अब इसमें हमने सिक्वेंस वाइज नहीं लिखा है, आई है और आपका बी होगा, है ना। ये फर्स्ट पर्सन क्यों होता है, आई और बी, और उसके बाद में यू जो है वो सेकेंड पर्सन में आता है, बाकी जो भी है, ही है, सी है, इट है, दे है, ये सारी चीज़ें आती हैं थर्ड पर्सन में। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव का मतलब क्या है? पजेसिव का मतलब होता है संबंध वाचक सर्वनाम कह सकते हैं, संबंध जो दिखा है, जैसे कि माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, ये जितने भी वाक्य आपने पिछले नाउन का जो द केस चैप्टर पढ़ा था हमारे साथ में मिलके, तो आपने वहाँ पे हर चीज़ डीपली पढ़ रखी है कि माइन का यूज़ कब करते हैं जोर दे करके, और अपनी चीज़ को मतलब संबंध दिखाते हैं कि उस पर जोर दे करके कहते हैं कि दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। तो यहाँ पे संबंध वाचक के शब्द हो जाएंगे, माइन हुआ, अवर्स हुआ, योर्स हुआ, हिज हुआ, हर्स हुआ। नेक्स्ट आता है आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव का मतलब संकेत करना। कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो संकेत वाचक का काम करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं दिस इज माई बुक, उस बुक को इंडिकेट करके बोलते हैं कि दिस इज माई बुक, दैट इज माई हॉर्स, है ना। तो इस प्रकार से दिस हुआ, दैट हुआ, दीज आर पेन्स, ये पेन्स हैं, पेन को इंडिकेट करके बोल दिया, संकेत करके बोल दिया, दोज आर बॉयज, तो ठीक है। तो इस प्रकार से ये वर्ड हो गए आपके, ये सब बोले जाएंगे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके नाम में ही लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। जब ऐसे कुछ वर्ड जो बांटते नहीं, ईच है, आइदर है, नाइदर है, कि जब हम बांटने का काम करें, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करें किन्हीं भी प्रोनाउंस को, तो वहाँ पे ईच का यूज़ किया जाता है, आइदर का यूज़ किया जाता है, नाइदर का। आइदर का मतलब या तो के रूप में होता है, ठीक है। फिर आता है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब यह है कि जब दो प्रोनाउंस को हम एक में जोड़ करके बात करें, जैसे ईच अदर, उनका संबंध दिखाएं और वो एक दूसरे से जुड़े हुए, ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर का मतलब सब एक साथ, है ना। ईच एक्स्ट्रा आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब जो स्वयं वाले शब्द नहीं होते, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ऐसे कि आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम करूँगा खुद से, स्वयं से, तो ऐसी जगह पे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सब बढ़ आता है, तो इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। बट एक इसी में आप ध्यान से देख लीजिएगा, अगला आता है जो इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन एज इट इज़ वही है, बट थोड़ा सा अंतर है। इम्फेटिक प्रोनाउन में भी यही एग्जाम्पल होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, बट इनका जो यूज़ होता है वो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है, मतलब ये जोर दबाव देकर, उसका नाम ही है इम्फेटिक। इम्फेटिक का मतलब होता है दबाव देकर के कोई बात कहना। जैसे कि आप क्या बोलेंगे, आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं स्वयं ही अपना काम करूंगा, आई माई सेल्फ, ऐसे करके, ठीक है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद इम्फेटिव प्रोनाउन आते हैं, ठीक है, इनको बोलेंगे इम्फेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? अनिश्चित, है ना, इसमें कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए क्या, एवरीबॉडी, समबडी, यहाँ पे नंबर भी क्लियर नहीं होता कि एवरीबॉडी, अब वो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सौ, पचास, कितना भी हो सकता है ना, तो एवरीबॉडी हो गया, समबडी हो गया, नोबडी, ऐसे वर्ड्स, इनको हम क्या बोलेंगे, इनडिफिनिट प्रोनाउन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है कि जब एक ऐसा वर्ड जैसे हु है, हुम है, विच है, पुरानी कोई भी दो कंडीशन को एक दूसरे से अटैच करे, जैसे कि आप अपने दोस्त के यहाँ गए और आपने अपने दोस्त के यहाँ एक बुक देख ली या कोई भी खिलौना देख लिया, तो आपने क्या बोला उसको देख करके, दिस इज़ द टॉय विच आई स्टोलन एट गोल मार्केट, है ना। अगर आप चोर हैं, मान लो चोर तो नहीं है आप, समझने के लिए यार फनी एग्जांपल ले लो एक, ठीक है, तो वहाँ से आपने क्या देखो कि ये वही खिलौना है जिसको मैंने गोल मार्केट से चुराया था, तो वो खिलौने का संबंध मार्केट से चुराया था, उसके बीच में एक वर्ड लग रहा है कौन, विच, दिस इज़ द टॉय विच आई स्टोलन, ये वही खिलौना है जिसको मैंने चुराया था, कहाँ, गोल मार्केट में, तो आप समझ गए होंगे। तो विच का यूज़
ऐसे ही हुम का यूज लगता है, हु का, ठीक है। ये जैसे आपने किसी लड़के को देखा अपने गली मोहल्ले में, तो आप बोलते हैं दिस इज द बॉय हु मेट मी यस्टरडे, ये वही लड़का है जो मुझे मिला था कल, है ना। तो जो हु का यूज हुआ ये किस प्रकार से हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब ये किसी भी दो स्थितियों को जोड़ रहे हैं, आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोल दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बड़ा सरल है, प्रश्नवाचक, प्रश्न वाले प्रोनाउन है ना। इसमें क्या होता है, हु, हुम, हुज, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, और प्रश्नवाचक जो वाक्य बनते हैं वो सब इन्हीं के यूज से बनते हैं, है ना। हु इज ही, वह कौन है, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल्स आ रहे होंगे, आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। लास्ट आता है आपका एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन जो होता है, लिखा हुआ है एग्जांपल में वाट, देखो ये आश्चर्य के भाव को प्रकट करता है। जब हम किसी चीज को देखते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो हम एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन का यूज करेंगे, वाट का। जैसे आपने कोई बहुत बेहतरीन सी तस्वीर देखी तो आप क्या बोलते हैं, वाट आज, वाट अ नाइस पिक्चर, बहुत अच्छी तस्वीर है, वाट अ नाइस वीडियो, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जब हम आश्चर्य के भाव को प्रकट करते हैं तो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन की मदद से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रोनाउन का एक एक पॉइंट मैंने डिफाइन आपको कर दिया है। यही सब इंपॉर्टेंट प्रोनाउन होते हैं, इनका यूज खूब सेंटेंसेस में होता है इंग्लिश ग्रामर में। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको बड़ी इंटरेस्टेड और मज़ेदार लगी होगी। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, दो चार बार देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। खूब मेहनत से पढ़िए, अपने एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए पूरी लगन के साथ में पढ़ाई करिए। मोबाइल का प्रयोग सिर्फ लिमिटेड करिए, पढ़ाई से रिलेटेड ही चीज़ें देखिए। थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट कर सकते हैं आप, क्योंकि जब तक आप खुशनुमा नहीं रहेंगे, आपका माहौल खुशनुमा नहीं रहेगा, तब तक आप बढ़िया से पढ़ नहीं सकते। पढ़ाई को ऐसे पढ़िए कि जैसे हवा मत समझिए इसको, कि कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि बिना पढ़े तो आप पशु समान हो जाएंगे, तो पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए पढ़ाई को माहौल बनाइए, पढ़ाई का माहौल बनाइए, एंजॉय के साथ में पढ़िए, मज़े के साथ में, और हमारे साथ बने रहो यार, द ज्ञान डोज के साथ में बने रहो। टेक अ डोज ऑफ ज्ञान विद अस, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, धन्यवाद।